एक छोटे से गांव के किनारे एक नदी थी, जिसके पास रामू नाम का एक किसान रहता था, जो अपने खेत में लाल नारंगी गाजरे उगाता था। उसके खेत की मिट्टी गाजर उगाने के लिए उपजाऊ थी। कितनी खूबसूरत है मेरी गाजर, बिल्कुल लाल सोना, कुरकुरी और मीठी। आज ही बाजार में जाकर बेचूंगा। लेकिन उसको एक बात की चिंता सताती थी। वहाँ एक चीकू नाम का बंदर था, जो बहुत शरारती था। उसकी नजरें हमेशा रामू की गाजरों पर रहती थी। वह बहुत फुर्ती से गाजरों पर झपट्टा मारता था और गाजरों को उखाड़कर मजे से खा लेता था। दूसरी तरफ एक लल्लू नाम का नन्हा और चंचल खरगोश था, जो सुबह की ठंडी हवा में रामू के खेतों पर खेलना बहुत पसंद करता था। अरे वाह, रामू काका की गाजर तो बहुत मीठी और स्वादिष्ट है। पर अक्सर उसकी लंबी टांगों की वजह से वह गाजर के पौधों को कुतर डालता था। रामू इनकी हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसको अपने गाजरों की चिंता सताने लगी। एक दिन गुस्से में आकर उसने लल्लू को भगा दिया, जिससे उसका दिल दुखी हो गया। उसी रात चीकू और लल्लू आपस में मिले और दोनों अपनी गलतियों का दुख जताने लगे और साथ ही रामू को नाराज करने का अफसोस करने लगे। तब चीकू को एक विचार आया और अगले दिन वह खेत में गया और रामू से माफी मांगने लगा। रामू काका, हम आपसे माफी मांगने आए हैं, हमें माफ कर दो। हम आपकी फसल की रक्षा करना चाहते हैं और मैं पक्षियों को भगाऊंगा और खेत की रखवाली करूंगा। और उससे वादा किया कि वह आगे से उसकी गाजरें नहीं चुराएगा, बल्कि पक्षियों को भगाने में उसकी मदद करेगा। इसी तरह लल्लू भी अगले दिन खेत में गया और रामू से माफी मांगी। अरे भैया, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस खेल रहा था। मुझे बहुत अफसोस है रामू काका, मैं इस बात का ध्यान नहीं रख पाया। मैं बहुत शरारती हूँ ना, मैं खरपतवार हटाऊंगा और खेत को साफ रखूंगा। उसने भी वादा किया कि वह सावधानी से चलेगा और खरपतवार हटाने में उसकी मदद करेगा। रामू दोनों के सच्चे पश्चाताप से बहुत खुश हुआ और उनकी मदद स्वीकार कर ली और खेत में उनकी जिम्मेदारियां भी बांट दी। इसी तरह चीकू और लल्लू रामू के सहयोगी बन गए। चीकू पक्षियों को भगाकर गाजर की रक्षा करता था, लल्लू खेत में लगे खरपतवार को हटाता था। रामू को उनकी मेहनत देखकर बहुत खुशी हुई। उसने चीकू को खरबूजे और लल्लू को घास फूस खाने की इजाज़त दे दी। धीरे धीरे चीकू और लल्लू रामू के अच्छे दोस्त बन गए। वह तीनों मिलकर खेत का काम बहुत मजे से करते थे। गांव वालों को भी यह अनोखी दोस्ती देखकर बहुत खुशी होती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध और डराने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। इसके बजाय समझदारी, माफ़ी और सहयोग से हम ना सिर्फ समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, बल्कि मजबूत रिश्ते भी बना सकते हैं। चीकू, लल्लू और रामू की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर किसी में अच्छाई होती है और एक दूसरे की मदद से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं।